Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, Amni and Meera love story के placement में आप लोगों ने देखा ही था कि मीरा जो थी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है सानिया का letter देख के, और वो अमनी को कहती देखो ये कितना ज़्यादा cute है ना. तो अमनी जो थी उस letter को देखती कहती हाँ cute है. मीरा कहती ये emojis देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना. अमनी कहती हाँ बहुत क्यूट है. तो मीरा कहती ऐसे मुझे ना हंसी आ रही है, मोबाइल के दौर में भी खत लिख रही है मेरी बहन मुझे. लेकिन जो भी वो बहुत क्यूट है. तो मीरा बहुत स्माइल कर रही होती है, बहुत खुशी होती है. तो मैंने ऐसे मीरा को देखते हैं उसके फेस पे ऐसे अपने हाथ रखे गए थे. तुम तो स्माइल करते हुए जान कितनी सुंदर लगती हो ना. इसी तरह हमेशा स्माइल क्या करो ना, स्माइल करने में भी कंजूसी करती हो. तो मीरा कहती ओ अच्छा मेरी स्माइल क्यूट है. अमनी कहती हाँ बहुत ज़्यादा. तो मीरा कहती वैसे कंजूसी तो आप ही करती हो, आप ही अब कल बहुत कम स्माइल करती हो. मीरा कहती क्योंकि मेरी स्माइल के रीज़न सिर्फ आप होती हो, और आजकल आप ही खुश नहीं रहती, आप ही स्माइल नहीं करती, तो मैं कैसे स्माइल करूँगी. तो मीरा हंसती है कहती अच्छा ठीक है बाबा प्रॉमिस, अब से मैं हमेशा खुश रहूँगी, हमेशा स्माइल करूँगी, और आपको भी स्माइल करना होगा. तो अमनी हंसती है कहती पक्का करूँगी. तो उसके बाद मीरा जो होती है वो लेटर को जो है वो साइड पे रखती है, और ऐसे अमनी के करीब जा रही होती है. तो अमनी ऐसे पीछे हो रही होती है और कह रही होती है किसी की नीयत बहुत ख़राब लग रही है ना. तो मीरा ऐसे अमनी के बहुत ज़्यादा करीब आती है, उसको दिमाग से लगा देती है और कहती है हाँ मेरी नीयत ख़राब है, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है. तो अमनी हंसती है कहती ऐसे तो मत बोलो यार, कुछ कुछ होता है. मीरा कहती अच्छा क्या क्या होता है बताओ ना, क्या होता है मेरी जान को. तो अमनी कहती बस हाँ ज़्यादा क्यूट बनने की कोशिश मत करो. तो अमनी ऐसे मीरा को साइड करके जाने लगती है. तो मीरा ऐसे अमनी का हाथ पकड़ती है कहती अच्छा इसका मतलब मैं क्यूट लगती हूँ तुम्हें. अमनी कहती ये कोई पूछने वाली बात है जान, ऑफकोर्स तुम मुझे क्यूट लगती हो. तो मीरा कहती वैसे घर में कोई है भी नहीं, तुम मैं अकेले हैं और मूड भी है, तो क्या प्लान है. अमनी कहती प्लान ये है कि मुझे बाहर जाना है. तो मीरा कहती आए तो हम ऐसे कोई बाहर नहीं जाएगा, आज बस आप और मैं. तो मीरा ऐसे बोल के अमनी कैसे अपनी तरफ खींचती है, उसकी कमर में ऐसे बड़े प्यार से ऐसे हाथ डाल देती है. तो अमनी ऐसे मीरा को ऐसे छुड़वाते हुए हाथ अपने छुड़वाते हुए पीछे की करती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है आपकी नीयत, लेकिन आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं है. मीरा कहती ओ अच्छा तो क्या हुआ, मूड बना दूँगी मैं. तो मीरा ऐसे कह के फिर से अमनी के कमर में हाथ डालती है और ऐसे उसके बालों में से छू रही होती है. तो अमनी कहती है सब करना बंद करो ना जान, मैं सीरियस हूँ सच में, बाहर जाना है. मीरा कहती हाँ तो चंद चलेंगे ना, पहले थोड़ा टाइम साथ में तो बिता लें. तो मीरा ऐसे कह के अमनी के पास से साइड पे करती है, उसके फ्रंट पे से करके किस करती है. तो अमनी स्माइल करती है कहती तुम ना तुम्हें अच्छे से पता है ये सब करके, एनीवे मुझे सच में जाना है, प्लीज़ बाद में करती है ना सब. तो मैं ऐसे बोल के जाने लगती है. मीरा कहती अच्छा सुनो ऐसे जाओगी. अमनी कहती क्या मतलब, मीरा बोलती चेंज तो कर लो. अमनी कहती हाँ ठीक है. तो अमनी जो होती है ऊपर रूम की तरफ जाती है, तो मीरा भी पीछे पीछे जा रही होती है. तो अमनी जो होती है ऐसे अपनी ब्रा का जो हुक होता है ना वो ऐसे खुल रही होती है, लेकिन उससे खुल नहीं रहा होता. तभी मीरा वहाँ जाती है और कहती मैं आई. तो अमनी कहती नो थैंक यू. तो मीरा कहती अरे मेरी आदत है मैं लोगों की हेल्प करती रहती हूँ, इट्स ओके. तो मीरा ऐसे बोल के अमनी के करीब आती है, उसकी टमी में ऐसे अपना हाथ डालती है. तो अमनी कहती जान बोला था ना अभी नहीं. मीरा कहती हाँ जान मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो हेल्प कर रही हूँ ना तुम्हारी. तो अमनी कहती अच्छा इस तरह मेरी टमी में हाथ डाल के हेल्प कर रही हो. तो मीरा कहती अच्छा बाबा सॉरी. तो मीरा ऐसे अपने दोनों हाथों से ऊपर कर देती है अब कुछ. तो उसके बाद मीरा कहती हुक नहीं खुल रहा. अमनी कहती हाँ देखो ना अटक गया है. तो मीरा कहती अच्छा मैं करती हूँ. तो मीरा जो होती है ऐसे अमनी को ऐसे बैक से ऐसे नीचे से हाथ ऐसे ऊपर लेके आती है बहुत प्यार प्यार से. तो अमनी कहती क्या कर रही हो मत करो ना. मीरा कहती अरे बाबू मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ ना. तो अमनी कहती अच्छा जल्दी करो. तो मीरा जो होती है ना ऐसे अमनी के सारे बाल ना आगे की तरफ कर देती हैं और उसकी कमर पर ऐसे अपना हाथ फेरने लगती है. तो मीरा ऐसे आंखें बंद कर कहती है मत करो ना प्लीज़ जान, सच में मुझे जाना है. तो मीरा कहती अरे बाबू मैं तो हेल्प कर रही हूँ ना, हाँ चुप रहो मुझे हेल्प करने दो. तो मीरा ऐसी है कि अमनी को ऐसे ही दीवार से लगा देते हैं. तो अमनी ऐसे दोनों हाथ ऐसे दीवार पर रखती है, ये कैसे हेल्प होती है जान, तुम छोड़ो मैं खुद कर लूँगी. तो मीरा ऐसे अमनी के दोनों हाथ ऐसे फिर से दीवार से लगाती है और कहती चुप कर रही हूँ ना मैं. तो मीरा ऐसे बोल के अमनी के बैग पर से फिर से हाथ फेरने लग जाती है और अब
वो उसके ऐसे हुक को अपने हाथ में लेती है ना, और पीछे से उसके जो है हुक दोनों खोल देती है। तो अम्मी जो होती है वैसे दीवार से लग जाती है ना, बैग दीवार से कर लेती है, कहती ठीक है अब तुम जाओगे मैं कर लूँगी। तो अम्मी ने ऐसे किया कि ऐसे चेस्ट वाली जगह पे अपने ऐसे हाथ से कवर किया होता है। तो मीरा कहती अरे बाबू मैं चेंज करवा देती हूँ ना, हाँ तो ऐसे बोल के अपने हाथ ऐसे साइड पे करती है। तो अम्मी की जो ब्रा होती है मतलब वो पीछे से खुल गया होता है ना, तो इसलिए वो खुल रही होती है। तो मीरा ऐसे उसकी स्ट्रिप्स जो होती है ऐसे दोनों नीचे कर लेते हैं। तो अम्मी कहती है क्या कर रही हो जान, प्लीज़ अभी नहीं। मीरा कहती है हाँ तो जान मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बस चेंज करवा रही हूँ ना। तो मीरा ऐसे बोल के ऐसे थोड़ी सी शैतानी वाली स्माइल देती है। तो अम्मी समझ जाती है कि मेरे साथ क्या करने वाली है, और हमने फ़ौरन से फिर से हाथ रख देते, कहती नो वे बिल्कुल नहीं। तो हमने ऐसे बोल के जाने लग दिया। तो मीरा ऐसे उसकी टमी में से हाथ डाल के पीछे से खड़ी हो जाती है और कहती यस वे। तो ऐसे कहने के बाद मीरा जो होती है ऐसे हमने के नेक पे ऐसे किस कर देती है करके ना बैक से। तो हमने को भी फील आ रहा होता है और हमने कहती है जान प्लीज़। तो मीरा कहती है हाँ ना जान प्लीज़। तो मीरा ऐसे बोल के फिर से उसके बैग पे किस करती है और फिर ऐसे उसकी कमर पर से हाथ फेरते हुए और अपनी जबान से थोड़ा सा लिख करती है और फिर वहाँ पे किस कर लेती है। तो मीरा जैसे ही किस करती है हमने ये तो वहीं पे टेंट है फिस हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती फिर। तो मीरा स्माइल करती है, वो समझ आती है कि अब तो हमने मुझे कुछ भी नहीं बोलेगी। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो हमने के बैग पर बहुत सारे किसिस करती है और फिर ऐसे उसे अपनी तरफ टर्न करती है, उसके हाथ सामने से हटा देती है, उसकी ब्राज होती है ऐसे नीचे फेंक देती है और उसके ऐसे नेक पे जो है ऐसे अपने हाथ फेरते हैं, उसके नेक पे ऐसे करके किस कर रही होती है। तो हमने कहती जान क्या कर रही हो, मेरा कहती अरे जान प्यार कर रही हो ना। तो मीरा से क्या कि उसके नेक पे जोर से बाइट करती है। तो हमने कहती आउच क्या कर रही हो यार, मुझे भाई को मिलना है, वो देखेगा लो बैठ तो क्या सोचेगा मेरे भाई में। मीरा कहती अरे जान छुपा लेंगे ना, हाँ। तो मीरा ऐसे कह के अपनी को ऐसे गोदी में लेती है, ऐसे बेड पे जा के लेटा देती है और बहुत प्यार से ऐसे अपनी के ऊपर आ रही होती है। तो उन्हें ऐसे पीछे को हो रही होती है, कहती जान प्लीज़ मुझे जाना है, मुझे भाई से मिलना है। मीरा कहती हाँ तो दोनों साथ में जाएंगे ना, लेकिन अभी नहीं। तो मीरा ऐसे बोल के अपनी को पकड़ लेती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसके बाल ऐसे साइड पर करती है, फोरहेड पर बहुत प्यारी सी किस करती है। तो उस किस के बाद अपनी ऐसे आँखें बंद कर लेती है। तो उसके बाद मीरा जो होती है ऐसे अपनी की आइस पे किस करती है, क्योंकि वो फिर दूसरी आइस पे भी किस करती है और फिर उसके चिक्स पे किस करती है और उसके बाद उसके लिप्स पे ऐसे ऐसे हाथ फेरी होती है ना बड़ी प्यार प्यार से, और अपने थम को ऐसे अपने की नीचे वाले होंठ पे बार बार ऐसे ऐसे मिसल रही होती है अपने थम से। तो उन्हें ऐसे आँखें खोलती है और कहती है क्या कर रही हो बेबी। मैं कहती अरे कुछ नहीं कर रही बेबी। तो मीरा ऐसे बोल के अपने की नीचे वाले लिप्स को ऐसे किस करती है और फिर नीचे वाले लिप्स को ऐसे अपनी दांतों में फंसा के ना जोर से बाइट करती है। तो अपनी इतने ज़ोर से चलाती है आउच पागल हो क्या, क्या कर रही हो यार जान प्लीज़ सब देख लेंगे ना, प्लीज़ मत करो। मीरा कहती है जान घर पे कोई नहीं है। अम्मी कहती लेकिन मैं बाहर जाऊँगी तो लिप्स तो साफ दिखते हैं ना, इसे थोड़ी मैं दुपट्टे से कवर कर सकती हूँ। तो मीरा कहती अच्छा बाबा सॉरी अब नहीं करूँगी ठीक है। तो अम्मी कहती अब हटो सामने से मुझे जाना है। तो मीरा कहती अरे बाबू चुप क्या जाने लगा रखा है, कहीं नहीं जा रही अब। तो मीरा ऐसे बोल के अम्मी के फुल ऊपर आ जाती है, उसके नेक पे किसेस करने लग जाती है बहुत प्यार प्यार से। तो अम्मी जो थी ऐसे मीरा को ऐसे हक कर लेती है। तो मीरा हंसती है और फिर उसके नेक पे ज़ोर ज़ोर से बाइट करती है। तो जो ज़ोर ज़ोर से बाइट करी होती है तो अम्मी की तो जैसे मानो चाह नहीं कर रही होती है और वो मीरा की बैग पे ऐसे ज़ोर से अपने नाखून मार रही होती है। तो मीरा कहती आउच क्या करी हो बेबी, नोच दोगी क्या मुझे। तो अम्मी कहती और जो आप करी हो उसका क्या। तो मीरा हंसती आ गई थी अच्छा ये बात है, चलो जितने ज़ोर से नोच सकती हो ना नोचो, मैं उतने ज़ोर से बाइट करूँगी। तो मीरा ज़ोर से बाइट करती है। तो मैं कहती आउच आउच आ जाओ आओ आराम से मेरी नेक। तो मीरा हंसती आ गई थी अच्छा बाबा सॉरी नहीं करती। तो मीरा ऐसे कहने के बाद फिर नेक से थोड़ा सा नीचे किस करती है और फिर ऐसे चेस्ट की तरफ आती है। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा किसिस करती है और ऐसे किस करते करते नीचे टमी पे आती है और टमी पे आके ना ऐसे ज़ोर से बाइट करती है। तो अपनी कहती जान क्या कर रही हो, दर्द होता है ना। तो मीरा कहती अच्छा वैसे इस दर्द में भी मज़ा है ना। अपनी कहती अच्छा जी मैं बताऊँ फिर इस दर्द में कितना मज़ा है। मीरा कहती हाँ बताऊँ। तो मैंने ऐसे मीरा को पकड़ के ऐसे पेट पे करती है उसके ऊपर आ जाती है। मीरा कहती वाओ मेरी शेरनी।
जो उसके बाद मीरा जो होती है ऐसे लेटी जाती है और रमनी ऐसे उसके दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर देती है, उसकी नेक पे जोर जोर से बाइट करने लग जाती है। मैं कहती है आराम से आराम से आराम से। हमने कहती अच्छा अपनी बारी आई तो आराम से, हाँ और जोर से करूँगी, अब तुम्हें मज़ा आएगा, मुझे कितना पेन हो रहा था अब तुम्हें दिखेगा। तो हमने ऐसे बोल के जोर जोर से बाइट कर दिया। तो मीरा हंस रही होती कहती और जोर से बाइट करो और जोर से बाइट करो। तो हमने ऐसे उठ के बैठ जाती कहती तुम पागल वागल हो क्या। मीरा कहती क्या। हमने कहती हद है, मुझे बाइट कर दी इतना दर्द हो रहा था, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। तो मीरा कहती अरे मेरी जान दर्द तो हो रहा है लेकिन ये प्यार करते थे ना मीठा मीठा, हाय बड़ा मज़ा आता है इस तरह में। तो अपनी हंसती आ गई थी तुम ना सच में पागल हो, अच्छा प्लीज़ चलते हैं ना। मेरा कहती यार मुन्ना खराब मत क्या करो, क्या चलते हैं चलते लगा रखा, थोड़ी देर तक जाएंगे ना। और वैसे भी मेरे अंकल कहते हैं कि जब भी कोई काम बेटा स्टार्ट करो ना तो उसे ख़त्म करिए बगैर कहीं मत जाओ, तो ये काम तो हम ख़त्म करके ही जाएंगे। तो मेरा ऐसे बोल के स्माइल करती है। मैं कहती नो। मेरा कहती यस। तो उन्हें ऐसे पीछे को हो रही होती है लेकिन मेरा ऐसे उसे पकड़ लेती है और उसे बेड पर लटा देती है और फिर से उसके उस पर ऐसे किस करती है। और फिर किस करने के बाद ऐसे उसकी टमी पर आती है और टमी पर बहुत ज़्यादा किसिस करती है और ऐसे काफ़ी देर तक उसकी टमी पर किसिस करती रहती है। और उसके बाद मीरा जो होती है वो ऐसे हमने को किसिस करते रहते हैं उसकी लेग्स की तरफ जा रही होती है और वहाँ पे बहुत सारे किसिस करती है। और धीरे धीरे से उसने जो पैंटे पहने होते हैं वो भी निकाल देती है। तो हमने जो होती है कहती जान प्लीज़। तो मीरा ऐसे हमने को हाथ रख पकड़ती है कहती प्लीज़ जान प्लीज़। तो हमने फिर कुछ भी नहीं कहती। तो उसके बाद मीरा जो होती है ऐसे हमने की लेग्स पे बहुत सारी किसिस करती है और ऐसे लेग से किसिस करते करते उसके पाँव पे आती हैं और पाँव की फिंगर्स पे ऐसे किसिस कर रही होती है और वहाँ भी हल्की सी बाइट करती है। तो हमने कहती चारा तुम्हें हो क्या क्या है, क्या हर बात पे बाइट कर रही हो मुझे। तो मीरा हंसती है कहती अच्छा बाबा सॉरी अब नहीं करूँगी। उसके बाद मीरा जो होती है अपनी को बहुत स्मूथी स्मूथी किसिस कर रही होती है। तो ऐसे काफ़ी देर तक ये तो उसे ज़्यादा इंटीमेट होते रहते हैं। तो उसके बाद अपनी जो होती है वो मीरा को से हक करके लेटी हुई होती है। तो मीरा कहती है कि भाई तो भाई किसी को कहीं जाना था अब तो मैं लेट नहीं हो रही। तो हमने कहती नहीं अब दिल नहीं करा छोड़ो ना कल जाऊँगी। तो हमने ऐसे बोल के मीरा को हक करके लेट के होती है। तो मीरा हंसती है कहती नौटंकी मज़ा तो तुम्हें भी आ रहा था, तो ये क्या करी थी जाने दो ना। तो हमने कहती पब्लिक जाना ज़रूरी था ना। तो मीरा कहती अच्छा इतना ज़रूरी था तो अभी चलते हैं। तो मीरा ऐसे उठने लगती है तो हमने उसका हाथ पकड़ दिया और उसके ऊपर आके लेट जाती है। तो मीरा कहती क्या हुआ। हमने कहती थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना प्लीज़। तो मीरा कहती तो उसके बाद अमनी ऐसे मीरा के ऊपर आके लेटी हुई होती है। तो मीरा ने उसकी कमर में हाथ डाला हुआ होता है। तो हमने कहते वैसे कितने टाइम बाद हम एक दूसरे कितने ज़्यादा क्लोज आए हैं ना। मीरा कहती हाँ ये तो है। तो हमने कहती एक बात बोलूँ। तो मीरा बोलती हाँ। अमनी बोलती वैसे जब तुम मुझे बाइट करी थी ना मुझे पे बहुत अच्छा लग रहा था। हमने कहती सच में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मीरा कहती ओह अच्छा अच्छा लग रहा था तो कह क्यों रही थी मत करो ना। हमने कहती वो तो बस ऐसे ही कह रही थी यार। तो मीरा हंसने लग जाती कहती पागल। उसके बाद मीरा ऐसे अमनी के फ्लैट पे किस करती है। तो तभी अमनी का मोबाइल बजता है और अमनी कहती है पक्का भाई की कॉल होगी यार वो वेट कर रहे थे मेरा मैं भी ना। तो अमनी ऐसे करके कॉल कर दिया। तो आगे से उसके भाई होते हैं वो कहते हैं अरे बेटा कहाँ रह गई हो कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तुम आ भी रही हो कि नहीं। तो अमनी कहती भाई वो आई एम सॉरी मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम में फंस गई थी। तो मीरा ये सुन के हंसती है और ऐसे अमनी के पीछे आके बैठ जाती है और उसके नेक पे ऐसे करके किसिस कर रही होती है। तो अमनी ऐसे उसे पीछे से हटा रही होती है लेकिन मीरा ऐसे उसकी टमी में हाथ डाल के ना उसको किसिस पे किसिस किए जा रही थी। तो उसके भाई कहते हैं ऐसे भी कौन सा इंपॉर्टेंट काम था जो तुम अपने ही भाई से मिलने नहीं आई। तो मीरा कहती मैं बताती हूँ ना। तो अमनी ऐसे उसके मुँह पर हाथ रखती है। तो भाई कहती पीछे कौन था। अमनी कहती कौन होगी मीरा ही है और कौन। तो उसका भाई कहता ज़रा बात करा ना मीरा से। तो अमनी ऐसे मीरा को कॉल करती कहती लो बात करो और उन्हें बताओ ज़रा मैं क्यों नहीं आई। तो मीरा कहती अरे मुझे क्यों फंसा रही हो। हमने कहती यो तुमने मुझे फंसाया चलो बात करो। तो मीरा ऐसे मोबाइल लेती हो कहती हेलो भैया कैसे हैं आप। तो कहते हैं हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ लेकिन मुझे ये बताओ ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आई और तुम भी तो आने वाली थी ना मिलने। मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम दोनों को सुबह का वेट कर रहा हूँ तुम दोनों में से कोई भी नहीं आया मैं नाराज़ हूँ तुम दोनों से। तो मीरा कहती सॉरी भाई वो सच में हम किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में फंस गए थे। तो मीरा ऐसे अपने को देख के स्माइल करी होती है तो उन्हें भी स्माइल करती है। तो उसका भाई कहता है अच्छा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ने। तो मीरा कहती सॉरी भाई वैसे हम निकल ही रहे थे अपनी ने हमको बताया नहीं हम बस 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो उसका भाई कहता चलो थैंक और तुम लोग आ तो रहे हो चलो जल्दी आओ तुम लोग के साथ ही खाना खाऊंगा मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है।
तो मीरा कहती है हाँ बस हम आ रहे हैं। तो मीरा ऐसे बोल के कॉल करते करती है, अम्मी कहती है क्या हम जा रहे हैं? मीरा कहती है ऑफ कोर्स, भैया ने बोला हम जाएंगे तभी वो खाना खाएंगे, तो उठो जल्दी से रेडी होना है। अम्मी कहती क्या इतना टाइम हो गया अभी तक भैया ने कुछ खाया नहीं? मीरा कहती नहीं शायद वो हमारे ही वेट कर रहे थे, उठो चलो जल्दी से रेडी होते हैं। तो हमने कहती ओके मैं शावर लेके आती हूँ। मेरा कहती हूँ हेलो क्या होता है शावर लेके आती हूँ, बोलो कि हम शावर लेके आते हैं। हमने कहती नहीं मुझे पता है अगर आपको लेके गए ना तो आपने तो 2 घंटे से पहले मुझे वॉशरूम से बाहर नहीं निकलने देना और वहाँ भाई बेचारे वेट कर रहे हैं। तो मेरा कहती बाबू अकेले जाओगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले आप नहा के आओगी फिर मैं नहाने जाऊँगी, टाइम लग जाएगा ना। तो हमने कहती ज़्यादा मत बनो, इस घर में सिर्फ एक ही वॉशरूम है नहीं है, काफ़ी सारे हैं, किसी और में जाके नहा लो। मेरा कहती नहीं मैं इसी में नहाऊँगी, वैसे भी मेरा वॉशरूम है ना। हमने कहती अच्छा तो मैं किसी और वॉशरूम में चल जाती हूँ। तो हमने ऐसे बोल के रूम से बाहर जाने लगते। तो मेरा उसका हाथ पकड़ती कहती बिल्कुल भी नहीं, चलो इकट्ठे चल के नहाते हैं। तो हमने कहती प्लीज़ डॉन लेट हो रहा है ना। मेरा कहती अरे बाबू सच में कुछ नहीं करूँगी, सच्ची कसम से चलो अब अंदर। तो दोनों जो होते हैं नहाने जाते हैं, तो अम्मी और मीरा दोनों शावर के नीचे खड़े होते थे, एक दूसरे के काफ़ी करीब हो के शावर ले रहे होते। तो मीरा को काफ़ी मन कर रहा होता है उसको चूमने का ना, तो वो ऐसे ही उन्हीं के लिप्स को बार बार देख रही होती है, तो उन्हें दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और ऐसे अपनी पीठ पर साबुन लगाने लग जाती है। तो मीरा उसके हाथ से साबुन लेती है, उसको लगा रही होती है। तो उसके बाद अम्मी कहती मुझे छोड़ो खुद को करो जल्दी से लेट हो रहा है। तो उसके बाद दोनों नहा रहे होते हैं। तो मीरा जो होती है ऐसे अम्मी की ऐसे बैग पैसे से हाथ फेर रही होती है, तो अपनी फ़ौरन से पीछे हो जाती है, कहती जान तुमने बोला था कुछ नहीं करोगी, बहुत लेट हो रहा प्लीज़। तो मीरा हंसती है हाथ ऊपर कहती कहती अच्छा बाबा मैं कुछ नहीं कर रही। तो ऐसे मीरा हंसने लग जाती है। तो अम्मी कहती है अच्छा ठीक है मेरा हो गया तुम जल्दी से नहा के आ जाओ। तो अम्मी ऐसे बाहर चल जाती है और चेंज कर लेती है जल्दी से, रेडी हो रही होती है। तो मीरा जो होती है जब शावर लेके बाहर आती है अपने बाल ड्राई कर रही होती है, देखती है कि अम्मी एकदम रेडी होके खड़ी है। मीरा कहती है वाह भाई क्या बात है आज तो इतनी जल्दी रेडी हो गई। तो अम्मी कहती जल्दी रेडी होना ही था क्योंकि पहले बहुत लेट हो गया, अब तुम भी बातें करना बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। तो मीरा हंसते कहते अच्छा जी भाई से मिलेगी इतनी जल्दी? अम्मी कहती हाँ जिस तरह तुम्हें जल्दी होती है सानिया से मिलेगी। तो मीरा थोड़ा सैड हो जाती है। तो अम्मी ऐसे मीरा की तरफ आती है कहती जान आई एम सॉरी, तो ऐसे बोल के मीरा के फेस को ऐसे अपने हाथों में थामती है और कहती है बाबू सब ठीक हो जाएगा, अब इस तरह से मूव मत बनाओ, मुझे इस तरह सैड तुम बिल्कुल नहीं पसंद, अभी तुमने बोला था ना कि हमेशा खुश रहोगी तो स्माइल करो। तो मीरा स्माइल करती है कहती हाँ लेकिन असल खुश तो मैं तब होंगी जब मुझे मेरी बहन मिल जाएगी और साथ साथ नानू भी। तो वो हंसती है कहती हाँ अच्छा ठीक है अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हाँ भाई को ज़्यादा वेट नहीं करवाना ना। तो मीरा कहती ठीक है। तो मीरा जो होती है वो भी रेडी होने लग जाती है। तो मीरा जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी होती है, बहुत ही सुंदर लग रही होती है क्योंकि मीरा ने सोचा था वो वहाँ से अपनी बहन को मिलने जाएगी यानी सानिया को। तो अम्मी उसे देख कहती वाओ तुम तो बहुत ज़्यादा फिटी लग रही हो, किसके लिए इतना रेडी हो यूँ? मुझे पता है सिर्फ भाई से मिलने के लिए इतना रेडी, कोई और बात है? तो मीरा हंसती है कहती कितना अच्छे से जानती हो ना तो मुझे। अम्मी कहती हाँ खुद से भी ज़्यादा अब तुम्हें जानती हूँ, और मुझे बताओ किस लिए इतनी मेहनत करके इतने अच्छे से रेडी हुई हो? तो वो हंसती है कहती है वो मैं सोच रही थी मैं सानिया से मिल के आऊँ एक बार। तो कहती अच्छा जी बहन से मिलने के लिए इतना रेडी, क्या बात है कभी मेरे लिए भी इतने अच्छे से रेडी हुई हो? तो मीरा कहती वैसे सच बताओ तुम जेलिस होती हो ना मेरी बहन से? तो उन्हें कहती सच बताओ तो हाँ कभी कभी, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंस मुझे देती थी वो सारी उसको देती हो, मैंने तो जेलिस होना ही है ना, अब तो मुझसे प्यार तक नहीं करती। तो मीरा हंसती है और कहती इधर आओ मेरी नौटंकी जानो, इतना तो प्यार करती हूँ और कितना प्यार करूँ पागल, अब चलें। उन्हें कहती हूँ। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो ऐसे अपनी गाड़ी निकालती है और ख़ुद ड्राइव कर रही होती है क्योंकि घर में एक गार्ड के अलावा और कोई भी नहीं था। तो वो गार्ड जो होता है वो दरवाज़ा बंद करता है और ये दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं अम्मी के घर की तरफ। तो मीरा जो होती है अम्मी को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है नानो मिलने देंगे मुझे उससे? तो अम्मी कहती इतना क्यों सोच रही हो, ऑफकोर्स मिलने देंगे, अब ये सब सोचना बंद करो और ड्राइविंग पे फोकस करो। ओके मीरा कहती है ओके। तो मीरा जो होती है वो अच्छे से ड्राइव कर रही होती है और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं अम्मी के घर। तो अम्मी अपने घर जाते हुए थोड़ा नर्वस हो रही होती है अपनी मम्मा की वजह से, तो उसके हाथ जो होते हैं वो ऐसे मतलब जब वो नर्वस होती है अपने हाथों के साथ कुछ अजीब सा करती है। तो मीरा ये देखते हुए कहती है नर्वस हो रही है? तो अम्मी कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो मीरा से अम्मी के हाथों को अपने हाथों में थाम दिया, कहती तुम्हारी एक वीकनेस है सबसे छुपा सकती हो मुझसे नहीं, मुझे पता चल जाता है तुम कब नर्वस होती हो, हाथों के साथ ये करना बंद करो, ये तुम्हारी नर्वस होने की 1000 निशानियों में से एक निशानी है। अम्मी कहती अच्छा और भी बहुत सारी निशानियाँ होती हैं क्या? मीरा कहती हाँ तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे सब पता है, अब चलो और अच्छे से बात करना मम्मा से। ओके
सब ठीक हो जाएगा। अब नहीं कहती मैं तो अच्छे से करूँगी मेरी जान, तुम अच्छे से कर लेना, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना। अगर मेरी मम्मा कुछ बोल भी दे तो प्लीज़ कोई रिएक्ट मत करना। मीरा कहती अगर उन्होंने हद पार कर दी तो तुम्हें पता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो हमने कहती जान प्लीज़। तो मीरा कहती अच्छा बाबा देखेंगे, अब चलिए अंदर। तो ये दोनों जो होते हैं वो अंदर घर के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अम्मी जो होती है वो ऐसे अपने भाई को कहती है भैया कहाँ हूँ आप? तो उसका भैया कहता है अरे इधर आ जाओ, मैं मेरे रूम में ही हूँ। तो अम्मी और मीरा दोनों रूम में जाते हैं, भाई को अच्छे से मिलते हैं, उनके पास बैठते हैं, बातें शातें करते हैं। तो अम्मी जो होती है इधर उधर देख रही होती है। तो उसका भाई कहता है कि मम्मा घर नहीं है। तो अम्मी कहती ओ अच्छा कहाँ गई है वो? तो वो कहते पता नहीं अपनी किसी सहेली की तरफ गई थी। तो अम्मी कहती समझ सकती हूँ, आपने उन्हें बताया होगा कि आज मैं आ रही हूँ इसलिए वो चली गई ना। तो अपने ऐसे बोल के थोड़ा सा सैड हो जाती है। तो मीरा ऐसे अम्मी के हाथ को ऐसे अपने हाथों में लेते हैं, उसे आंखों से इशारा करती है कि इट्स ओके टेंशन मत लो। तो तभी अम्मी का भाई कहता है अरे तुम दोनों बात ही करते रहोगे, भाई मेरे भूख से बुरा हाल है, कोई मुझे खाना भी देगा? तो अम्मी हंसिया कहती है हाँ मैं लेके आती हूँ। तो अम्मी किचन से खाना लेने चले जाती है। उसे पता होता है कि खाना तो मम्मा बना के गई होंगी, आखिरकार वो अपने शहजादे बेटे को भूखा थोड़ी रखेंगी। तो अम्मी ये सोच के किचन में जाती है। और यहाँ मीरा जो होती है वो भाई से बात कर रही होती है और कहती है कि आपकी मम्मा इस तरह बिहेव क्यों करती है हमने, इसे उसकी गलती क्या है, वो इतनी मासूम है, इतनी क्यूट है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा उसने, अभी भी आपकी मम्मा उसे इतना रूड बिहेव करते हैं। तो अम्मी का भाई कहता है मुझे सब पता है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मम्मा उससे ठीक से बात करें लेकिन पता है क्यों इन दोनों माँ बेटे की बिल्कुल नहीं बनती। मीरा कहती है ऐसा नहीं है, अम्मी तो बहुत मिस करती है अपनी मम्मा को, लेकिन आपकी मोम ही है जो अपनी को देखना तक नहीं जाती। तो उसका भाई कहता है अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, तुम बताओ कब तक प्लान है यहाँ इंडिया में रुकने का? मीरा कहती सच कहूँ तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ 4-5 दिन तो रहूँगी। तो उसका भाई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब तक अपनी इंडिया में यहाँ रहे अपने घर में रहेगी तो मम्मा के थोड़े करीब भी आ पाएगी। मीरा कहती आप ठीक कह रहे हैं लेकिन आपको पता है अगर वो यहाँ रहेगी तो आपकी मम्मा की बातें उसे बहुत हर्ट करेंगी और मैं अम्मी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। तो अम्मी का भाई कहता है मुझे पता है तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है लेकिन मैं उसका भाई हूँ, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सोच के बोल रहूँगा, प्लीज़ उससे बात करो, उसे बोलो कि इधर ही रहे, अच्छा थोड़ा लगता है अपना घर होने के बावजूद मैं तुम्हारे घर रहती हूँ। तो मीरा कहती वो सिर्फ मेरा घर नहीं है, अम्मी का घर भी है। उसका भाई कहता है हाँ ठीक है समझता हूँ तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो लेकिन फिर भी अब तो लोगों ने भी बातें बनाना शुरू कर दी है, हमारे रिश्तेदारों को पता चला अम्मी आए वो मिलने आए थे लेकिन जब पता चला अम्मी अपने घर के बजाय दोस्त के घर रह रही है तो सबने बहुत बातें बनाई और इस बात से मोम भी काफ़ी दुखी थी। तो समझ रही हो तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मीरा कहती ठीक है मैं बात करूँगी अम्मी से। तो अम्मी का भाई कहता है बात नहीं करनी, तुम्हें उसे मनाना होगा। मीरा कहती अच्छा ठीक है मैं देखूँगी लेकिन प्रॉमिस नहीं करती। तो अम्मी का भाई कहता मुझे पता है तुम ही उसे मना सकती हो। तो ऐसे बोल के वो हंसने लग जाता है। मीरा कहती आप हमेशा मुझे क्यों फंसाते हैं? तो उसका भाई कहता है क्योंकि तुम ही तो जिसकी वो बातें सुनती है और मानती भी है इसलिए तुम्हें फंसाता हूँ। तो तभी हमने जो होती है वो खाना लेके आ जाती है और हमने कहती गरम गरम खाना तैयार है। तो अम्मी जो होती है ऐसे बोल के खाना जो है वही बेड पे लगा देती है भाई की वजह से क्योंकि वो अभी उठ नहीं सकते थे। तो तीनों जो होते हैं इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो तभी अम्मी का भाई जो होता है वो इशारा करता है मीरा को कि बोलो ना। तो मीरा ऐसे इशारा करती है अभी नहीं। तो अम्मी कहती है दोनों बहन भाई में क्या इशारे में बात हो रही है, कोई मुझे भी बताएगा? तो तभी अम्मी का भाई बोलता है वो यार तुम मम्मा के हाथ का खाना मिस नहीं करती? तो अम्मी कहती हाँ करती तो हूँ, एक उनका खाना ही तो है जो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। तो तभी अम्मी का भाई कहता है हाँ तो फिर घर पे रहो, रोज़ उनका खाना खाने को मिलेगा ना उनके हाथ का टेस्ट की जैसी यमी यमी। तो अम्मी कहती आपने सोचा भी कैसे कि मैं यहाँ रहूँगी, जितना उनका खाना टेस्टी नहीं है ना उतनी कड़वी उनकी बातें हैं और मैं उनकी कड़वी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तभी उसका भाई बोलता है कि हाँ ये भी है लेकिन अगर तुम उनके पास रहोगी तो हो सकता है तुम दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो जाए और मेरा तो वैसे कोई पता नहीं आज हूँ कल ना हूँ। तो हमने कहती क्या भैया क्या फजूल बातें कर रहे हो आप, जानबूझ के मेरा मूड ख़राब करते हो ना। तो उसका भाई कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी वो मीरा को इशारा बोलता है कि तुम भी कुछ बोलो, लेकिन मीरा भी नहीं चाहती होती कि अम्मी उससे दूर रहे, यहाँ रहेगी तो उससे दूर ही रहेगी ना, लेकिन खैर वो ये सोचती है कि शायद यहाँ रहने से वो अपनी मम्मा के करीब चली जाए तो इसलिए मीरा बोलती है वैसे भैया सही कह रहे हैं तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए और वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर घर है, अपना घर छोड़ के तुम मेरे घर रह रही हो तो लोग तो बातें करेंगे ना। तो हमने कहती ओह अच्छा तो मेरे जो भाई ने बोला होगा, क्या भाई आप ही छोड़ो मुझे किसी की परवाह नहीं है और वैसे भी लोग तो सिर्फ बातें करते हैं उन्हें वो भी काम ही क्या है।
तो हमें उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, है ना मीरा? तो मीरा कहती कभी कभी लेना भी चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे भैया की तबीयत तो तुम्हारे सामने ही है, और अपनी मम्मा को देखो कितनी लापरवाह, उन्हें छोड़ के चली गई। आई थिंक तुम्हें यहाँ पर रहने का रह के अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए। हमने कहती वैसे मम्मा से उम्मीद नहीं थी, वो इस हालत में भाई को अकेला छोड़ के जाएंगी, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो अम्मी का भाई ऐसे मीरा को कह रहा है कि हमें इनकी दूरियाँ ख़त्म करनी है, तुम वो उल्टा बढ़ा रहे हो। तो मीरा से इशारा करते कि सर गुस्सा दिलाएंगे तो यहाँ पे रहेगी ना। तो मीरा कहती आज तो ठीक है हम दोनों आ गए, लेकिन हम दोनों नहीं आते तो भाई तो बेचारा अकेला उठ के खाना तक नहीं उठा सकता था, अपना बेचारा भूखा ही रहता। तुम्हारा मम्मा ना सच में बहुत लापरवाह है, एकदम केयरलेस है, बेटे की फिक्र नहीं है उन्हें। तो हमने कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो, एक काम करते हैं भैया आप हमारे साथ चलो। तो उसका भाई कहते हैं एक सेकंड मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता, तुम यहाँ पे रहो अगर मेरी इतनी फिक्र है तो। वैसे मेरी किस्मत ही ख़राब है, एक माँ है जिन्हें मेरी फिक्र नहीं है, हमेशा दोस्तों के साथ रहती हैं, और एक मेरी बहन है वो तो घर पर टिकती भी नहीं है, और मैं बेचारा अकेला हर टाइम बस बेड पर पड़ा रहता हूँ भूखा प्यासा। तो हमने कहती भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उसका भाई कहते जो सच है वही बोल रहा हूँ ना, ना तुम्हें मेरी फिक्र है ना मम्मा को। तो हमने उसे उठ के भाई के पास आते उन्हें हक कर दिया, कहती भैया ऐसे नहीं, मुझे आपकी बहुत फिक्र है ओके, और ठीक है अगर मम्मा आपका ख्याल नहीं रख रही तो मैं यहीं रहूँगी, मैं आपका ख्याल रखूँगी ठीक है, आप प्लीज़ सैड मत हो। तो उसका भाई ऐसे मेरे को हक करके ऐसे हंस रहा होता है, मीरा की तरफ इशारा करता है। तो मीरा जो होती है वो थोड़ा स्माइल करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सैड होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमने उसे दूर रहे। इसलिए मीरा जो होती है वो बीच में खाना छोड़ के चली जाती है वॉशरूम में हैंड वॉश करने के लिए, और वहाँ टूटी ऐसे चला के छोड़ देती है, और बस सोचती रहती है कि अगर अम्मी यहाँ रहेगी तो मुझसे दूर हो जाएगी, मैं कैसे रहूँगी, मैं अम्मी से दूर कैसे रहूँगी, मुझसे नहीं रहा जाएगा, एक तरफ सानिया भी मुझसे दूर है, दूसरी तरफ मेरा प्यार भी मुझसे दूर हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी। तो मेरा सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वॉशरूम के बाहर अम्मी आ जाती है, मैं नोक कर रही होती है, कहती मीरा तुम ठीक हो ना, कब के अंदर हो तुम, सब ठीक है ना? तो मेरा कहती हाँ ठीक हो, बस आ रही हूँ हैंड वॉश करके। तो मीरा जल्दी से हैंड वॉश करती है और फिर बाहर आ जाती है। तो अम्मी मीरा को कहती जान तुमने तो खाना भी ठीक से नहीं खाया, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, तो ऐसे बोल के मीरा के फेस कैसे टच कर रही होती है उसके फोरहेड पर नेक पर। तो मीरा से अम्मी का हाथ पकड़ती है, कहती अरे जान रिलैक्स, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस ऐसे ही। तो ऐसे बोल के जाके भाई के पास बैठ जाते हैं, भाई से ऐसे हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अम्मी देख लेती है कि मीरा परेशान है, शायद कुछ सोच रही है। तो तभी अम्मी जो होती है वो कहती है कि मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, कि पिएगा? तो उसका भाई कहता है मैं तो ज़रूर पीऊँगा, वैसे भी तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पे इतना टाइम हो गया है। तो मीरा कहती तुम पियोगी? मीरा कहती ऑफकोर्स जान मैं भी पीऊँगी। तो अम्मी जो होती है वो फिर कॉफ़ी बनाने चल जाती है, और मीरा भाई से बात कर रही होती है, लेकिन वो सैड होती है, ऐसे ऐसे बात भी नहीं कर रही होती। तो अम्मी का भाई कहता है कि आज मीरा तुम मुरझाई लग रही हो, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच, कोई लड़ाई? तो मीरा कहती भगवान ना करे हमारे बीच कभी लड़ाई हो, सब ठीक है। तो उसके भाई कहते फिर तुम इतना सैड साउंड क्यों कर रही हो? तो मीरा कहती इज जस्ट के अम्मी और मैं हम इतने टाइम से एक ही घर में साथ रह रहे थे, तो वो यहाँ आ जाएगी, मैं अकेली हो जाऊँगी, इसे मिस करूँगी, बस यही सोच रही थी और कुछ नहीं। तो अम्मी का भाई ऐसे मीरा के हाथों को अपने हाथों में लेता है, कहता है तुम तो एक दोस्त हो ना सिर्फ उसके, तुम भी उसके बगैर नहीं रह सकती। तो मीरा सोचो मैं तो उसका भाई हूँ, इतने टाइम से उससे दूर रह रहा हूँ, मैं अब उससे और दूर नहीं रह सकता। तो मीरा कहती हाँ आप नहीं रहोगे अम्मी, वैसे भी अब इधर ही रहेगी ना आपके पास, तो ठीक है मैं फिर चलती हूँ। तो अम्मी मीरा ऐसे बोल के उठती है, तो अम्मी का भाई उसको रोकता है, कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, तुम भी यहीं रहो ना, और वैसे भी अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो मम्मा अम्मी को टोंट काटना थोड़ा सा कम कर देंगी, क्योंकि वो तुमसे डरती हैं। तो मीरा हंसती है, कहती क्या मुझसे डरती हैं? तो वो कहते हैं हाँ, क्योंकि उन्हें पता है तुम किनकी बेटी हो, तुम्हारे डैड का थोड़ा सा खौफ तो है इंडिया में। तो कहती क्या? तो उसका भाई हंसता है, कहते हाँ सच्ची। तो तभी वहाँ अम्मी आ जाती है, कहती क्या बातें हो रही हैं? तो मीरा कहती कि तुम्हारी कॉफ़ी का वेट कर रहे थे, नहीं मतलब कॉफ़ी बनाने गई थी या हड्डियाँ उबालने गई थी जो इतना टाइम लग गया तुम्हें? तो अम्मी हंसती है, कहती ज़्यादा मत बनो ठीक है ना, भाई के सामने जैसे बबल शेयर बन रही हो, हर टाइम भाई नहीं होंगे फिर तुम्हें अच्छे से बताऊँगी मैं। तो मीरा हंसती है, कहती बाप रे बाप सॉरी सॉरी मुझे कॉफ़ी दो बस, ऐसे बोल के कप लेके पीने लगती है। तो अम्मी का भाई हंसता है, कहता ओहो तो मीरा तुम डरती हो अम्मी से, क्या बात है, यहाँ अम्मी की मोम तुमसे डरती हो और तुम अम्मी से डर रही हो। तो अम्मी कहती क्या मम्मा डरती है मीरा से? तो उसका भाई कहते हाँ। तो अम्मी कहती कुछ भी, वो किसी से भी डरती तो वो सिर्फ एक पापा से थे, जब से पापा गए उन्हें किसी का डर नहीं गया। तो अम्मी का भाई हंसता कहता नहीं मीरा के पापा से बहुत डरती हैं, इसलिए मीरा से भी डरती हैं।
तो कहती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है, क्या मम्मा जानती थी मीरा के पापा को? तो उसका भाई कहता है नहीं पता नहीं, आई मीन बस उन्होंने सुना हुआ है कि उसके भाई पापा जो हैं काफ़ी रोबदार हैं, ये वो अमीर हैं, एटीट्यूड वाले हैं, खड़ूस हैं। तो सॉरी मीरा, मैंने मेरा वो इंटेंशन नहीं था, ठीक है ना? तो मीरा कहती है इट्स ओके, मैं तो खुद कहती हूँ मेरे पापा बहुत खड़ूस हैं, कोई ना आप भी बोल सकते हो। तो ये तीनों हंसने नहीं चाहते हैं। और अमीन कहती अब तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी नहीं हो रही? मीरा कहती हाँ हाँ पी रही हूँ। तो ये तीनों अच्छे से कॉफ़ी पीते हैं। तो मीरा कहती ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तो अमनी कैसे हक कर दिया, अमनी कहती एक सेकंड तुम कहाँ जा रही हो? मीरा कहती अब मैं तुम्हारे घर तो रह नहीं सकती ना, इसलिए जा रही हूँ, तुम रहो यहीं पे, भाई का अच्छे से ख्याल रखना। अमनी कहती क्या मतलब मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ तो तुम मेरे घर क्यों नहीं रुक सकती? तो मीरा कहती तुम्हारी मोम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम्हें अच्छे से पता है। अमनी कहती वो तो मुझे भी पसंद नहीं करती। तो मीरा कहती लेकिन, अमनी कहती कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बगैर रह पाऊँगी? बिल्कुल नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ के जा रही, बस मुझे नहीं पता, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। तो मीरा हंसते कहती क्या ही बच्चों की तरह कहते करती हो, अच्छा इधर आओ। तो मीरा ऐसे बोल के अमनी को हक कर लेते, कहती अच्छा पापा नहीं जाऊँगी। तो अमनी का भाई इन दोनों को देखता है और बहुत खुश होता है, कहते तुम दोनों कितने क्यूट हो ना, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हो, बस ऐसे साथ रहो, हमेशा खुश रहो। तो मीरा सबनी के कान में कहती काश तुम्हारे भाई को हमारा रिलेशन पता होता, फिर देखती हो ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो उन्हें हंसती कहती चुप बदतमीज़। तो उसका भाई कहता क्या हुआ? हमने कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे ही दोनों बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर आ जाती है हमने की मम्मा, और वो गुस्से से देख के कहती है अमनी को तुम अभी तक गई नहीं? तो अमने कहती मैं क्यों जाऊँगी, ये मेरा भी घर है और मैं यहीं पे रहूँगी। तो उसकी मम्मा कहती कोई ज़रूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, और जिस दोस्त के घर रह रही थी ना उधर ही रहो जाके। तो तभी मीरा जो होती है खड़ी हो जाती है, कहती अच्छा ये क्यों निकले यहाँ से, देखा जाए तो ये इसका भी घर है ना। हाँ तो अमनी की मम्मा जब देखती है तो मीरा भी है वहाँ पे, तो कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो अमनी ऐसे मीरा को देखती है, कहती यार सच में मोम तुमसे डर गई? तो मीरा हंसने लग जाती है, कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा ये हो क्या रहा है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि एनिमल पार्ट में क्या होगा। तब तक लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइज जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टाटा बाय बाय।